अस्सलाम वालेकुम क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्पेस एक्सप्लोरर एंड देयर सॉल्यूशंस, कि स्पेस स्टडी के दौरान हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और इनके हमने क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेस सिकनेस, इफेक्ट ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने पढ़ा था कि स्पेस में आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ वेटलेसनेस। दूसरी चीज़ ये कि स्पेस में किसी किस्म की कोई ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो वेट नहीं है। सो इन दोनों से क्या होता है, कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड मैनी अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द स्टे इन द स्पेस। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें स्पेस में रहते हुए फेस करने पड़ते हैं। पोल्यूशन कॉज बाय बर्निंग ऑफ रॉकेट फ्यूल एंड द डिस्पोजल ऑफ रॉकेट पार्ट्स इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्पेस एक्सपोजर। के ऑब्वियसली स्पेस सैटेलाइट्स हैं या वहाँ पे रॉकेट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वहाँ पे स्पेस जो है वो क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। बे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले है कि हैजर्ड्स ऑफ स्पेस क्रू ऑन मिशन आर द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड मैनी डेथ्स हैव रिजल्टिंग ड्यूरिंग द मैन स्पेस फ्लाइट। के जो लैंडिंग है, ठीक है, ये ट्रेवलिंग है फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, इस दौरान ये बड़ा मसला है क्योंकि स्पेस हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं। स्पेस साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर्स नीड कंटिन्यूस वर्क टू इम्प्रूव सेफ्टी इन स्पेस मिशन। ठीक है, वहाँ स्पेस में रहना है तो अपने स्पेसशिप का, अपनी स्पेस शटल का, जिस चीज़ में भी वो मौजूद है उसकी मेंटेनेंस का प्रॉपर जो है उन्होंने ख्याल रखना है। इसके अलावा स्काईलैब फेल फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अर्थ इन 1979। ठीक है, पूरा का पूरा जो एक स्पेसशिप है वो नीचे गिर गया। एंड दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट कुड बी डेंजरस फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, अब जहाँ गिरेगा वहाँ पे भी ऑब्वियसली नुकसान हुआ होगा और जो उसमें जितने भी लोग थे वो भी क्या हो गए, उसकी मौत हो गई। स्पेस प्रोग्राम आर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे होते हैं एंड दे कॉजिंग इकोनॉमिक बर्डन ऑन कॉमन मैन। ठीक है, अगर आपका बजट जो है वो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो स्पेस के ऊपर, तो बजट जो है वो इन रिटर्न जो आम आदमी है उसी की जेब से जाएगा, वो अपने टैक्स की सूरत में जो है वो पे करेगा, तो बड़ा मुश्किल है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मिशन कुड बी पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर हम प्राइवेट कंपनीज को जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाएं, गवर्नमेंट खुद जो है वो इन्वेस्ट ना करें, तो फिर ये बेहतर है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप लोगों ने याद भी करना है, लिखना भी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलो।